नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और हमारे धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए आजकल एक नया कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, यानी कि मासिक राशिफल, जिसमें हम आपको बताते हैं कि हर माह पर आपकी राशि पर क्या ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ने वाला है। और इस माह यानी कि अब नंबर है, अभी तक हमने आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के बारे में जानकारी दी थी। आज दर्शकों चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है और सिंह राशि वालों के लिए मई का मासिक राशिफल क्या रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या कुछ परिवर्तन लाने वाली है उनके जीवन में। और जैसे सभी को पता है कि लॉकडाउन भी है और जिस समय ये हम कार्यक्रम मई का आप देख रहे होंगे, कुछ जगह लॉकडाउन रहेगा, कुछ जगह नहीं रहेगा। तो दर्शकों, जो कार्य व्यवसाय का जो राशिफल है, जो भी लोग किसी भी तरीके से कार्य व्यवसाय कर रहे हैं उनके ऊपर लॉकडाउन का असर, राशिफल का असर पूरी तरीके से रहेगा। चाहे वो घर से काम कर रहे हैं, चाहे कुछ लोग ऑफिस में हैं। अब तो जैसे कुछ लोग जो हैं अपना ऑफिस भी जाने शुरू हो गए हैं, कुछ फैक्ट्रियां भी खुल गई हैं, तो कहीं ना कहीं काम कारोबार जो है धीरे 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 स्थिर होता जा रहा है। तो काम कारोबार का राशिफल का असर जो है अब आपके ऊपर और ज़्यादा भी दिखने लगेगा और अधिक से अधिक लोगों में दिखेगा। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये बताएंगे कि सिंह राशि में इस समय कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या खेल रचने जा रहे हैं सिंह राशि में इस समय ग्रह। देखिए, सिंह राशि वालों की अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो लगन में इस समय इनके कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा है। पंचम भाव में सीधा इनके केतु बैठे हुए हैं और छठे भाव में इनके तीन ग्रहों का योग है, यानी कि त्रिग्रही योग है। गुरु, शनि और मंगल, यहाँ पर गुरु नीच के हैं, शनि और मंगल की वजह से यहाँ और गुरु के युति करके नीच भंग राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। और आप बात करते हैं आपके सप्तम भाव की, सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है और अष्टम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। दर्शकों, नवम भाव में आपके बहुत ये सुंदर राजयोग बन रहा है, इसमें आपके सूर्य और बुध की युति है जो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। दशम भाव पे आपके मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर शुक्र बैठे हैं, बहुत ही बेहतर स्थिति है सिंह राशि वालों की अगर दशम भाव की बात करें। और एकादश भाव में राहु लाभ देने के लिए बैठे हैं और बारहवें घर में जो है, यानी कि जहां पर कर्क राशि है बारहवें भाव में, वहां पर कोई ग्रह इस समय नहीं बैठा है। तो दर्शकों, अगर ओवरऑल बात करें इस समय इनकी राशि का स्वामी, जी हाँ, सिंह राशि का स्वामी जैसे सूर्य होता है और सूर्य इस समय उच्च की स्थिति में है और उच्च का सूर्य जो है बहुत ही अच्छा फल अब देना शुरू कर देगा सिंह राशि वालों को। तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना जो है काफ़ी बेहतर रहने वाला है, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, काम कारोबार की दृष्टिकोण से भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपके सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये माह मई माह कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए ये समय खान पान के लिए संयम बरतने का है, क्योंकि छठे भाव में गुरु नीच के हो रहे हैं तो खान पान पर आपको संयम बरतना चाहिए और इस समय आपको तला भुना खाने से बचना चाहिए, अन्यथा पेट के इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं या लीवर संबंधी कोई तकलीफ या फैटी लीवर हो सकता है, या जिन लोगों को इस तरह की समस्या है उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग जिनको पैरों में दर्द की शिकायत रहती है, गठिया जैसे रोग हैं, उनको इस समय ये रोग बढ़ सकते हैं, तो उनको भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा ओवरऑल कोई बड़ा बीमारी, कोई बड़ी समस्या नज़र नहीं आ रही है। अगर मई के मध्य में बात करेंगे तो इस समय आपको थोड़ा सा सावधान ज़्यादा रहना है, यानी कि 16 मई के बाद यहाँ पर आपको पेट में कोई इन्फेक्शन या बुखार इत्यादि हो सकता है और गर्मी का प्रकोप रहेगा तो डिहाइड्रेशन की समस्या भी रह सकती है, थोड़ा सा आपको सावधान रखना चाहिए। और जो ग्रह स्थिति बता रही है आपकी, बारहवें भाव पे आपके तीन ग्रह खर्च के भाव पे देख रहे हैं, तो खर्च इस समय ज़्यादा रह सकता है, स्वास्थ्य के ऊपर ये पैसा लग सकता है, यानी कि जो आपको हमने बीमारी बताई अगर आपने इनका ध्यान नहीं दिया तो ये बड़ा गंभीर रूप ले सकती है। अगर आपको छोटी सी भी कोई समस्या होती है तो उसका तुरंत आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें तो ये समस्या बढ़ेगी नहीं और ना ही आप बढ़ने दें, समझदारी इसी में ही है। तो ये हमने बताया स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अब बताते हैं सिंह राशि वालों का काम कारोबार की दृष्टिकोण से कैसा समय रहेगा। देखिए, नौकरापेशी जो लोग हैं, जो समय नौकरी पर जा रहे हैं जिन राज्यों में या जिन शहरों में, उनके लिए स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। इस माह बहुत अच्छा काम करेंगे, उनको लाभ मिलने की संभावना मिलती हुई नजर आ रही है।
कुल मिलाकर नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए ये माह काफी अच्छा जाएगा। अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं सिंह राशि वाले। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, काफी अच्छे मौके आपको मिलेंगे। अगर आप जॉब में बदलाव भी लाना चाहते हैं तो इस माह कुछ ऐसे अवसर आपको मिल सकते हैं, जब आप कहीं अप्लाई करेंगे तो आपकी बात बन सकती है। दूसरी बात करते हैं व्यवसायियों की। देखिए, व्यवसायियों के लिए ये माह काफ़ी लाभकारी रहेगा। जो लोग इस समय शॉप खोलकर बैठे हैं या ऑफिस या फैक्ट्री चला रहे हैं, उनके लिए इस माह उनकी सेल काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य की और शुक्र की स्थिति बहुत ही लाभकारी है। ये स्थिति आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है आपके काम कारोबार में। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय कर भी सकते हैं। अगर आपके यहाँ परिस्थिति ऐसे हालात ऐसे हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा काम कारोबार में कोई विशेष चिंता वाली बात नजर नहीं आ रही है सिंह राशि वालों की, जहां तक बात करें। अब बात करते हैं आपके धन की स्थिति की। देखिए, धन लाभ जबरदस्त राहु दे रहे हैं, शुक्र दे रहे हैं, सूर्य की युति जो है छठे भाव में, मंगल भी बड़ा अच्छा राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो लाभ की स्थिति तो आपकी बहुत अच्छी इस समय नजर आ रही है। लाभ आपको अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है, धन लाभ के योग बनेंगे, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा, पैसा भी आपके पास अच्छा है। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों के लिए धन की स्थिति इस माह अच्छी दिखती हुई नजर आ रही है, धन लाभ भी होगा, निवेश भी कर सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि किसी को पैसा भी उधार देने से बचे, किसी डायरेक्ट पार्टी को। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी तरह के फंड्स में, तो ये उसके लिए बेहतरीन समय है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की सिंह राशि वालों। दर्शकों, आपका पारिवारिक जीवन इस समय काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और घर परिवार में एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। पिताजी का विशेष रूप से सहयोग आपको इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो घर परिवार में कोई ऐसी परेशानी नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, वाणी पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए। अगर आपने वाणी पर संयम नहीं बरता तो वाद विवाद खड़े हो सकते हैं या जीवन साथी के साथ तकरार हो सकती है। इस समय आपको ये चीज़ बस ध्यान देने वाली है। इसके अलावा घर परिवार में कोई ऐसी परेशानी नजर नहीं आ रही है। जहां तक बात है आपके वैवाहिक जीवन की या प्रेम प्रसंग की, तो ये उसके दृष्टिकोण से भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन इस समय काफी अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई विरोधाभास कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए, उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी समय हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में भी कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अब बात करते हैं संतान सुख की। देखिए, जो लोग इस समय कंसीव करना चाहते हैं तो अभी उनको कुछ समय रुकना चाहिए, कुछ समय के बाद प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समय रहेगा, खासकर सेकेंड हाफ में मई के। और जिनके भी संतान हैं उनको संतान सुख इस समय मिलता हुआ नज़र आ रहा है, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है और संतान सुख भी पूर्ण मिलेगा इस समय। तो कुल मिलाकर कोई ऐसी समस्या, बड़ी समस्या जो है संतान के पक्ष भी आपको इस समय नजर नहीं आ रही है। अब दर्शकों, बात करते हैं अपने कार्यक्रम में कि आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए या किन चीजों से आपको बचना चाहिए इस महीने। देखिए, इस महीने आपको क्या करना चाहिए, इस माह में आपको पैसा किसी को उधार ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे हमने आपको बताया और शुरू में हमने आपको बताया कि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थोड़ा सा आ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन समय है, किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी ये बेहतरीन समय है। तो कुल मिलाकर हमारी सलाह इस माह यही है कि इन चीज़ों का आप अपना ध्यान रखिए और व्यर्थ के वाद विवाद ना तो अपने गृहस्थ जीवन में, ना अपने कार्यस्थल पर, ना मित्रों के साथ बिल्कुल टाल दें, क्योंकि ये वाद विवाद आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी तरह की आपको परेशानी में डाल सकते हैं। और दर्शकों चर्चा हम कर रहे थे अपने मासिक राशिफल में स्टूडेंट्स की भी, कि स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं कि उनके लिए समय कैसा है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो इस समय ऑनलाइन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन समय इस समय, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है और जो पढ़ाई आप करेंगे वो काफ़ी अच्छी रहेगी, और बुध की स्थिति के कारण भी जो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। दर्शकों, इस महीने आपको क्या करना चाहिए, देखिए इस महीने आपको क्या करना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन आपको बेसन के लड्डू का दान करना चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति को खिला दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, हल्दी से स्नान करें तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी।
ये उपाय करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, ये था मई मास का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल कि इनके लिए कैसे रहने वाला है। अगर आपकी भी कोई ज्योतिष संबंधी समस्या है तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर आप अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, हमारे प्रोग्राम में कमेंट करके बताएं, इसको लाइक करें और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक हमेशा पहुँचते रहें। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में धर्म ज्ञान कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे कन्या राशि वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है मई का माह। नमस्कार।